हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग। सो आप में से बहुत सारे लोग लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि वेदाश्री लर्निंग ऐप पर इससे रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बस आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसी में आपका एक टॉपिक आता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हम इसको समझेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं आपके कलर भी शो करते हैं। तो कई आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर ये कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर क्या है, वायलेट है। कॉपर का ये जो कॉम्प्लेक्स है ब्लू है। टाइटेनियम का जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपका क्या है, ये भी वायलेट कलर का दिखाई देता है। तो ये कलर हमें क्यों शो होता है इसको भी एक्सप्लेन करती है आपकी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर जिसे हमने क्या देखा था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि जब भी आपकी फ्री मेटल आयन होती है, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स में जब क्या करता है, लिगेंड जब आता है इसको अप्रोच करता है, तो पहले तो जो इसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। डी जनरेट कहने का मतलब क्या है, सबकी एनर्जी इक्वल होती है। लेकिन जब लिगेंड इसे अप्रोच करता है, ठीक है, लिगेंड कहाँ से आएगा, एक्सिस से आएगा। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहाँ पर 6 लिगेंड आएंगे, इसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये इसकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है पहले तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लिगेंड जो होता है या तो नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है और ओवरऑल जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स, ये फ्री मेटल आएंगे डी ऑर्बिटल्स है, इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब जो ये लिगेंड इसे अप्रोच कर रहा है वो सिमेट्रिकल तो है नहीं, ये तो हम ये मान रहे हैं कि एवरेज एनर्जी, अगर पूरा मेटल बीच में हो और चारों तरफ से लिगेंड आ रहा है बिल्कुल सेम तरीके से, तब तो आपकी पूरे की एनर्जी वो हो जाएगी, आपकी ऊपर हो जाएगी, हायर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है भाई, ये अलग अलग एक्सिस से आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो आपके डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल लिगेंड के रास्ते में पड़ रहे हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जो आपके डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के बिल्कुल डायरेक्ट रास्ते में नहीं है, थोड़ा हटके हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। इसी से हमारी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। इसको मैंने और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें हमने क्या देखा था, फ्री मेटल आयन में डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, फिर लिगेंड ने अप्रोच किया, एनर्जी थोड़ी हाई हो गई, एवरेज एनर्जी सभी डी ऑर्बिटल्स की, और फिर जो आपके लिगेंड्स डायरेक्ट आपके जो आपके डी ऑर्बिटल डायरेक्ट लिगेंड के रास्ते में थे उनकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाएगी। जो आपका सेट क्या था, ईजी सेट, कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और जो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के डायरेक्ट रास्ते में नहीं पड़े तो उनकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और इसको हमने क्या कहा था, टी टू जी सेट कहा था, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये पढ़ा था। अब ये जो आपका स्प्लिटिंग थी, ठीक है, ये जो क्या हुए, ये विभाजित हो गए दो अलग अलग सेट्स में या फिर डी ऑर्बिटल्स, इसको हमने क्या कहा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजक ऊर्जा। और ये जो होती है आपकी, इसको क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं, इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये होती है आपकी बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब ये बैलेंस है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो जीरो मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, एवरेज एनर्जी क्या है, जीरो। जितनी एनर्जी से यहाँ ऊपर हुआ है ईजी सेट, उतनी ही एनर्जी से ये टी टू जी सेट नीचे आया है, यानी ओवरऑल एनर्जी का जो चेंज है वो यहाँ पर हमें जीरो मिलना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। भाई देखो, आपके यहाँ टी टू जी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपके ऑर्बिटल्स हैं तीन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, और यहाँ पर कितने से ये नीचे गया है, 2/5 से, ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे गई, तो नेगेटिव साइन। तो आप 6 × −2/5 करेंगे, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं हम, ये टोटल एनर्जी प्लस, ठीक है। अब ऊपर वाले सेट को देखिए, ईजी सेट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, 4, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 4 × कितने से एनर्जी हाई गई है, 3/5, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एनर्जी ऊपर गई है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब चेक करो ज़रा, 6 × 12/5 प्लस 4 × 12/5 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल इक्वल टू 0। वेरी सेंटर पे अगर आप देखोगे तो आपको एनर्जी यहाँ पर, जो एनर्जी यहाँ पर आप नेट चेंज यहाँ पर देखोगे तो 0 दिखाई देगा, और ये होना भी चाहिए, जितने से एनर्जी ऊपर गई है उतने से एनर्जी यहाँ पर नीचे हो गई है, ठीक है, ये हमारा बेरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग है।
अब एक चीज़ और हमने देखी थी, अगर टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या था कि आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये जो ई वाला सेट है, ये वाला सेट है ये नीचे आता है और ये वाला सेट ऊपर आता है, ठीक है। एक चीज़ और हो गई है, यहाँ पर देखिए आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, हालांकि स्क्वायर प्लैनर को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया एनसीईआरटी में, तो हम इसको केवल नाम से आप इसे समझ लीजिए कि इन दो कॉम्प्लेक्सेस में आपका हम सेट बोलते हैं टी टू जी और ई जी, ठीक है। सबस्क्रिप्ट लगती है नीचे से, ये जी हम छोटा सा लगाते हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें आप सेट सिर्फ बोलेंगे टी टू एंड ई, यहाँ आप जी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जी जो होता है, जी फॉर जेरेट मतलब सिमेट्रिकल की बात आती है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पूरा जो उसकी सिमेट्री होती है हर तरफ से समान नहीं होती है, तो इसीलिए हम यहाँ जी को नहीं लगाते। तो यहाँ पर जब आपका ये सेट रिवर्स होता है, यानी जब स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर से, तो स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ई यू सेट नीचे होता है, सॉरी ई सेट नीचे होता है और टी टू सेट ऊपर होता है आपका, ठीक है। अब देखिए कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कलर्ड कैसे होते हैं, क्यों हमें इनमें कलर दिखाई देता है? तो देखो कलर दिखाने का मतलब क्या है कि अगर वाइट लाइट जो है, ठीक है, वाइट लाइट जो है अगर आपकी पास हो रही है और इसके बीच में हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, कोई सैंपल रखा है, जब इसके अंदर से ये गुजर के निकलेगी सैंपल में से, जब ये वाइट लाइट पास होगी तो हमें इसका कुछ कलर नज़र आएगा, ठीक है। वाइट लाइट जो होती है आपकी, आपको पता होगा ये क्या होती है, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होती है, सारे कलर्स एक साथ मिल जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, वाइट कलर मिलता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, स्पेक्ट्रम देखा है ना आपने, प्रिज्म होती है और इसमें से अगर वाइट लाइट पास करो तो ये क्या होती है, ये आपकी ऐसे सेवन कलर्स जो क्या होता है आपका विबग्योर, ठीक है, विबग्योर जो होता है आपका उसमें ये स्प्लिट हो जाती है, आपके सेवन कलर्स अलग यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिक्सचर होता है वाइट लाइट, तो वाइट लाइट के रास्ते में जब आप कोई सैंपल रखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जब इसके थ्रू आप इससे वाइट लाइट को पास कराएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स, वो बाद में वाइट लाइट जो है आपको कलर दिखाई देगी। अब ये कलर हमें, या फिर आप कॉम्प्लेक्स का कलर देखेंगे तो आपको कलर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्यों दिखाई दे रहा है कलर, तो अब देखिए अगर हम टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में +3 निकल के आएगी, ठीक है। तो +3 टाइटेनियम +3 का मतलब है ये D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम कहने का अर्थ है कि इसके D ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कहाँ जाएगा, अब इस पर फिल करोगे तो वो ऑब्वियसली अपने ग्राउंड स्टेट में जब है तो वो यहीं पे होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल उसको मिल रहा है, लोअर एनर्जी उसे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दोगे। अब मान लो आपने इस सैंपल को क्या रखा, लाइट में रख दिया, लाइट में से क्या मिलेगी उसे, एनर्जी, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसे मिल गई एनर्जी, एनर्जी मिल गई तो ये क्या कर सकता है, ये जो एनर्जी बैरियर मिला है इसे, इसे क्रॉस कर सकता है। भाई यहाँ पर तो एनर्जी का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है, जंप करके यहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है जब आपने इसे लाइट में से पास करवाया। तो यहाँ पर भी यही है, ग्राउंड स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमने इसको लाइट में से पास करवाया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, ईजी वाले सेट में चला गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, क्योंकि ऑर्बिटल्स तो कौन से हैं, ये दो अलग सेट जरूर है लेकिन है तो डी ऑर्बिटल्स ही, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन, और यही आपका होता है कारण कलर शो करने का। कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर शो करता है। देखिए जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की आपको लाइट नज़र आएगी, ठीक है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर हम कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स ने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया और हमें ये दिखेगा कैसे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कलर कौन सा होगा, वायलेट, ठीक है। ऐसे कॉपर के इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, इसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, रेड कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया और हमें दिखेगा कैसा, ब्लू। जो बची हुई लाइट है उसका कलर हमें क्या नज़र आए, ब्लू, ठीक है। टाइटेनियम या फिर आप कह सकते हैं जो ये कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, बाकी बची हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया बाकी इसके ऊपर से हम निकल रही है तो हमें ये कलर कैसा नज़र आएगा, ब्लू नज़र आएगा। ऐसी टाइटेनियम की बात करेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा ब्लू ग्रीन, लेकिन हमें दिखाई कैसा देगा, वायलेट, ठीक है। बाकी बची हुई लाइट जो इस पर से निकल रही है वो क्या होगी, वायलेट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ का जो रंग होता है वो क्या होता है, जो इस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, अलग चीज़ है, जिस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देगा वो हमारी आई से पहुँचा और वो चीज़ हमें उसी कलर की दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और जाननी है आपको,
कि अगर लिगेंड नहीं होंगे तो हमें कोई कलर नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है तो लिगेंड की प्रेजेंस में हो रही है ना। जब लिगेंड नहीं है तब तो सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो ये स्प्लिटिंग जो है यहाँ पर सिर्फ हमें लिगेंड की वजह से ही देखने को मिल रही है। तो अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमें लिगेंड नहीं है वहाँ पे दिख रहा, तो इसका मतलब हाँ कोई कलर नज़र नहीं आएगा। जैसे अगर आप टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका इतना है, ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, अगर इसकी हीटिंग कर दी ना आपने, हीटिंग कर दोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। पानी या लिगेंड जो पानी समय यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ लिगेंड की तरह मौजूद है, लिगेंड हट गया तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट तो सबसे बेस्ट आप लोगों ने इसको देख ही रखा होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू होता है, ये फाइव एच टू दरअसल यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में लिखा होता है, या अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में लिखेंगे तो अलग तरह से दिखाई देगा आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, एज ए लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो CuSO4 5H2O में से वैसे तो इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर इसे हीट कर दोगे, ठीक है, अगर इसे गर्म कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, फिर कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, सूखा। तो केवल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है कॉपर सल्फेट, वो किस कलर का होता है, वाइट, इसमें कोई रंग हमको नज़र नहीं आएगा। तो लिगेंड की प्रेजेंस में ही हमें सिर्फ कलर नज़र आता है, क्यों, क्योंकि यही स्प्लिटिंग करा रहा है, ठीक है, डी ट्रांजिशन, भाई स्प्लिटिंग हो रही तभी तो डी ट्रांजिशन होगा, एनर्जी लेगा और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग कलर हमको देगा, कुछ लाइट अवशोषित कर लेगा और बची हुई लाइट जो गई है उसी कलर को हमें, वो उस कलर का ही हमको वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो इसमें आपको देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स भी ऐसा नहीं है कि याद करने, आपको क्या पूछा जाएगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर दिखाता है तो उसका रीज़न पूछा जाएगा। रीज़न क्या होता है, ये रीज़न आपको याद करना है, रीज़न है आपका डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से हमें कलर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो इस तरीके से CFT आपकी जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कलर को एक्सप्लेन करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।